आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी ने कहा बुक लॉन्च की, इसके लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अटल जी पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये हमने आपको पहले भी बता रखा है, क्योंकि आगे वाले आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी हो गया और अदर एस एस सी के एग्जाम्स हो गए, उसमें अटल जी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी ने कहा बुक लॉन्च की, इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, वीरेंद्र सही, हरदीप सिंह है, अमन सिंह पटेल हैं और विजेंद्र रही हैं। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका विजेंद्र रही आपके सही ऑप्शन है, जिसमें अटल जी ने कहा, उन्होंने जो बुक लिखी उसमें अटल जी की जो फेमस भाषण स्पीचेज जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो किसी ने नहीं देखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। इनके छोटे छोटे भाषण देखने को मिलेंगे और इनकी सभाएं जो काफ़ी फेमस रही है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों अटल जी के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं, जैसे अटल जी के नाम पे अभी जो JNU ने अपना स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रख दिया है। यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस को अब अटल पथ कहा जाएगा। उसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। मॉरिशस में भी एक साइबर टावर, उसका नाम अटल जी के नाम पे होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटल जी पे बनने वाले हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बता चुके हैं, जैसे उनके जन्मदिवस 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है। 2015 में उनको भारत रत्न मिला, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उसके अलावा 3 बार हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे और सबसे कम समय तक भी वो प्रधानमंत्री रहे, मात्र 13 दिनों तक। इतने क्वेश्चंस आपको उन पे बनेंगे। तो अटल जी के बारे में आप देख लीजिएगा, उनकी बुक्स आपको सख्ती से शांति हो गई, राजनीति की रपटीली राहें हो गई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अटल जी पे देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी ने कहा बुक लॉन्च की, इसके लेखक कौन है, तो वो हैं विजेंद्र रही। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसी लिथियम की बैटरी विकसित की है जिसमें आग नहीं लगेगी, वैज्ञानिक किस देश के हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, जितने भी दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चन हैं वो सारे ही पूछे जा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य ये हो गया और आपके जो अभ्यास हो गए, सैन्य अभ्यास होते हैं, वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसी लिथियम की बैटरी विकसित की है जिसमें आग नहीं लगेगी, वैज्ञानिक किस देश के हैं। तो वैज्ञानिक हैं आपके USA के, वो जो वैज्ञानिक होंगे जो जिन्होंने लिथियम बैटरी को विकसित किया है जिसमें आग नहीं लगेंगी, वो है आपके USA के वैज्ञानिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि हाल ही में एशियन गेम्स में टेबल टेनिस ने कौन सा पदक जीता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कहीं। तो दोस्तों एशियन गेम्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन, जैसे एशियन गेम्स आपका इंडोनेशिया के जकार्ता पालम बाग में चल रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जैसे ध्वजावाहक कौन थे। ठीक है, तो अभी दोस्तों जब एशियन गेम्स खत्म हो जाएगा तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे हम प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाल ही में एशियन गेम्स में टेबल टेनिस ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार टेबल टेनिस टीम ने इस स्पर्धा में कोई पदक लाया है, और जो पदक लाया है वो है आपका ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में एशियन गेम्स में टेबल टेनिस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जबकि टेबल टेनिस की टीम ने अपने टेबल टेनिस के स्पर्धा में कोई भी पदक लाया, और वो पदक आपका कौन सा है, ब्रॉन्ज। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन आपको और बना था कि PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता, तो वो जीता रजत पदक। साइना नेहवाल ने कौन जीता, तो उन्होंने जीता कांस्य पदक। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको आपके एशियन गेम्स से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। और जैसे ये एशियन गेम्स पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने फीफा का प्रेजेंट कर रखा है एक एक क्वेश्चन, उसी तरह मैं एशियन गेम्स का भी आपको प्रेजेंट कर रखूंगा। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि हाल ही में एशियन गेम्स में टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता, तो वो ब्रॉन्ज जीता, और इतिहास एशियन गेम्स के इतिहास में ऐसा उसने पहली बार किया कि उसने कोई भी पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि किस एयरलाइन कंपनी द्वारा देश के पहले जैव ईंधन संचालित विमान सेवा की शुरुआत की गई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि किस एयरलाइन कंपनी द्वारा देश के पहले जैव ईंधन संचालित सेवा की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, स्पाइस जेट है, इंडिगो है, एयर इंडिया और एनमस कोनी। तो दोस्तों ये जो जैव ईंधन संचालित विमान सेवा शुरुआत की गई है जिसकी, वो देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। ध्यान रखिएगा, देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में किस कंपनी के पहले जैव ईंधन संचालित विमान सेवा ने जो शुरुआत करी वो कहाँ से कहाँ उड़ी, तो वो देहरादून से उड़ेगी और दिल्ली को उतरेगी। और जो ये एयरलाइन कंपनी दोस्तों वो है स्पाइस जेट। ये ध्यान रखिएगा, स्पाइस जेट जो एयरलाइन कंपनी है उसके द्वारा पहले जैव ईंधन
को संचालित जो संचालित विमान सेवा उसको शुरू कर दी गई है और ये देहरादून से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है कि हाल ही में स्पाइसजेट ने जो पहले जैव ईंधन संचालित विमान सेवा की शुरुआत की है वो कहाँ से उड़ान भर रही है और कहाँ उतरेगी। तो उड़ान भर रही है आपकी देहरादून से और उतरेगी आपकी दिल्ली को, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और वो एयरलाइन कंपनी आपकी है स्पाइसजेट, जिसने देश के अपने भारत देश के पहले जैव ईंधन संचालित विमान सेवा की शुरुआत करी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस पेमेंट ऐप में ऐप ने अपना नाम बदला है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अगर वो लोग जो जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन यूज़ किया होगा तो उनको उनके जो मैसेज है फ़ोन पे मैसेज आ गया होगा, उनके ईमेल पे मैसेज आ गया कि उसका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने अपना नाम बदला है, तो वो ऐप कौन सा है, फ़ोनपे है, पेटीएम है, तेज है या फिर रिचार्ज है। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका तेज। तेज दोस्तों जो कि गूगल का एप्लीकेशन था, आप देखे होंगे अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन तेज होगा जो कि मनी ट्रांसफ़र के लिए आप किसी को मनी भेज सकते हैं। ठीक है, या तो उसी से रिलेटेड ये एप्लीकेशन आपका था, पेमेंट ऐप था, जो कि आपने देखा होगा कि तेज बाई गूगल लिखा होता है। ठीक है, ये गूगल का एप्लीकेशन था, अब इसका नाम बदल के गूगल पे हो गया। ठीक है, अब गूगल ने इसका नाम बदल के गूगल पे कर दिया है। इसमें दोस्तों आप मनी ट्रांसफ़र तो कर ही सकते हैं, कहीं आप पेमेंट भी कर सकते हैं दुकानों पे, उसके अलावा अब इस पे आप लोन भी ले सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू, यानी जो गूगल पे अब हो गया है जो तेज, इस एप्लीकेशन के थ्रू अब इस पे लोन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए जो गूगल पे एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि पहले तेज एप्लीकेशन था, उसने कई सारे बैंकों के साथ करार किया, जिसमें फेडरल बैंक हो गया, SDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया। तो ये बैंक अब आपको गूगल पे जो एप्लीकेशन है, जो पेमेंट ऐप है, उसके थ्रू अब आपको लोन भी दे सकेंगे। तो हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने अपना नाम बदला है, तो वो तेज का नाम बदल के अब गूगल पे हो गया, जो कि गूगल का ही एप्लीकेशन था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सुनील भारती मित्तल चेयरमैन है। दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन CEO से, चेयरमैन से और हेड से पूछे जा रहे हैं, फाउंडर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब तो खैर आपका एग्जाम LP का खत्म हो गया, जो आने वाले एग्जाम ग्रुप डी के और RPF के हैं उसमें करंट अफेयर्स में ये सारे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो सुनील भारती मित्तल चेयरमैन है किसके, एयरटेल के हैं, वोडाफोन के हैं, विप्रो के हैं या फिर आइडिया के हैं। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों सुनील भारती जो चेयरमैन हैं वो आपके किसके हैं, तो वो है एयरटेल के। सुनील भारती जो चेयरमैन है वो किसके हैं, तो वो है एयरटेल के। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, तो वोडाफोन के कौन है, विप्रो के कौन है, आइडिया के कौन है, तो वो भी आप देख लें। जो दोस्तों एयरटेल के आपके हो गए सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के कौन हो गए, तो वो हो गए सुनील भारती मित्तल। वोडाफोन के हो गए अनिलजीत सिंह, भारत के जो चेयरमैन है वोडाफोन के वो कौन है, वो अनिलजीत सिंह है। विप्रो के आपके हैं अजीज प्रेम जी और आइडिया के हैं आपके कुमार मंगलम बिरला। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो सारे क्वेश्चन मैं पर डे आपको करंट अफेयर्स में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, होप जो आपको वीडियो मैंने प्रेजेंट किया वो अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही बने रहेगा दोस्तों, हम रोज़ रेगुलर एक करंट अफेयर की वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।